हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने मैं एक नया टॉपिक लाया हूं जो कि डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हैं। इसके रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले अपलोड किए हैं, चाहे वो जनसुगम से रिलेटेड हो या सीआरएस ओआरजी से रिलेटेड हो। लेकिन अभी जो आपके लिए अपडेट है, सीआरएस ओआरजी जो है शिफ्ट हो गई है। अब इसके लिए एक नई वेबसाइट आई है जो कि आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हो, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। एक नई वेबसाइट आई है जिसमें हमने ये चीज़ चेक करना है कि कौन कौन सी स्टेट इस वेबसाइट से डीओबी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। चाहे किसी बच्चे के लिए आपको सर्टिफिकेट बनानी हो या किसी बुजुर्ग के लिए आपको सर्टिफिकेट बनानी हो, यानी कि कम एज वाले के लिए भी आप इस साइट से डीओबी सर्टिफिकेट बना सकते हो, ज्यादा हो उसके लिए भी आप यहां से डीओबी सर्टिफिकेट बना सकते हो। यानी कि अगर आपको किसी के लिए भी डीओबी सर्टिफिकेट बनानी होगी तो इसी वेबसाइट से आपने बनानी है। तो इसमें ये रिसेंटली लोगों ने ये साइट जो है शिफ्ट किया, इस वाली साइट पे जो कि सीआरएस ओआरजी थी वो इस साइट पे आप शिफ्ट हो गई है। अब रिसेंटली ये अपडेट आया है इन लोगों की तरफ से। अब सारे स्टेट्स हैं इंडिया की जो कि इस साइट से ड्यूबी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। सबसे पहले हम स्टेट्स या यूटीज को चेक करेंगे कि कौन से यूटीज या स्टेट्स इस वेबसाइट से ड्यूबी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर स्टेट्स दिखा रहे हैं, तो ये स्टेट्स आप चेक कर सकते हो। तो मैं खाली अपने स्टेट को फाइंड करूंगा, तो यहां पर हमें जम्मू एंड कश्मीर दिख रहा है। अगर किसी को ड्यूबी सर्टिफिकेट बनानी हो जो कि कश्मीर से बिलोंग करता है, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है, तो वो इस वेबसाइट पे आके ड्यूबी सर्टिफिकेट बना सकता है। अगर कोई बंदा दूसरी स्टेट से इस वीडियो को देख रहा है, उसको अपना स्टेट इस वेबसाइट में नहीं दिखता है, तो वो डायरेक्टली सीआरएस ओआरजी वेबसाइट पे जा सकता है, तो वहां से वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अभी के लिए हमारे स्टेट यहाँ पर अवेलेबल है, हमने रजिस्ट्रेशन करनी है, हमने प्रॉपर प्रोसीजर देखना है कि किस तरीके से हम ड्यूबी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ये साइट का इंटरफेस है, यहां पर हमें लॉगिन ऑप्शन दिख रहा है और यहां पर जनरल पब्लिक ऑप्शन दिख रहा है, यहां पर हमने क्लिक करनी है। जनरल पब्लिक पे हमने क्लिक करनी है। अब यहां से हमें लॉगिन भी कर सकते हो, सबसे पहले हमें साइन अप करना है, तो साइन अप का प्रोसीजर हमें साइड में दिख रहा है, तो साइन अप पे हमने क्लिक करनी है। तो सबसे पहले हमने एक फॉर्म सबमिट करना है, एक रजिस्ट्रेशन करनी है, तब जाके हम ड्यूबी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दो प्रोसीजर दिखाऊंगा, एक बच्चे के लिए कैसे आप बना सकते हो, चाइल्ड के लिए कैसे बना सकते हो, दूसरा अगर आपने किसी जिसकी एज 5 से ज़्यादा हो या 15 से ज़्यादा हो या 50 से ज़्यादा हो, जो भी एज है उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करेंगे, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। उसमें हमने अपना नाम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीजें आपने सबमिट करनी है, ड्यूबी आपने एंटर करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। बाद आपने एड्रेस वगैरह को फिल करना है, डिटेल्स हमने फिल कर लिए हैं। यहाँ पर हमें विलेज और टाउन दिख रहा है, अगर कोई विलेज से बिलोंग करता है तो आपने सबसे पहले विलेज को सिलेक्ट करना है। तो हम टाउन से बिलोंग कर रहे हैं इसलिए मैंने टाउन यहाँ पर रखा, बाकी डिटेल्स हमने पिन कोड के साथ सबमिट कर लिए है और नेक्स्ट पे हमने क्लिक करनी है। अब यहाँ से आपने आधार नंबर देना है, नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। अब ये चीजें मैं पहले फिल कर लूंगा। आधार नंबर और नेशनलिटी जैसे हमने सबमिट की, फिर हमने नेक्स्ट किया। इसके बाद हमने मोबाइल नंबर को एंटर करना है, मैं यहां से मोबाइल नंबर को एंटर कर, हमने मोबाइल नंबर फिल कर लिया है, फिर हमने ओटीपी को सेंड करना है। अब आपके नंबर पे जो ओटीपी आएगा उसको आपने वैलिडेट करना है। तो इस तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद आपने लॉगिन करना है, अपना मोबाइल नंबर देना है और उस कैप्चा को फिल करके लॉगिन करना है। अब सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे, आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपने एंटर करना है यहाँ से, फिर आपने लॉगिन करना है। अब लॉगिन पे आप जैसे आप क्लिक कर, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हमने जो है ड्यूबी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। अब हमने ड्यूबी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पर आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी हम प्रोसेस देख रहे हैं ड्यूबी का, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसमें आपको धीरे रखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी जाके आपको चीजें समझ में आ जाएगी। किसी ने डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो सेम प्रोसेस यही रहेगा, आपने यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट दिख रहा होगा तो डेथ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी हम बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम बर्थ वाला प्रोसेस देखेंगे। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपके लिए ये बेनिफिशियल है। तो यहां पर हमें बर्थ वाला दिख रहा है, बर्थ पे क्लिक करनी है। अब हमें यहां पर जो जिसके जिसको भी अप्लाई करना है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर आ रहा है रिपोर्ट बर्थ, इस पर हमने क्लिक करनी है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद हमने यहां से स्टेट को सिलेक्ट करना है,
स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो प्राइमरी लैंग्वेज है इंग्लिश, और उसके बाद हमें यहाँ पर हिंदी दिख रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट है, इसलिए हम बाय डिफॉल्ट हिंदी ही रखेंगे। डेट ऑफ रिपोर्टिंग हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा, इसके साथ हमने कुछ भी नहीं कर रहा है। अब इसके बाद हमने चाइल्ड इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, तो सबसे पहले हम चाइल्ड इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। अब यहाँ से पूरी डिटेल्स मैंने फिल कर ली है। चाइल्ड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमने फिल करनी थी, सबसे पहले हमने ड्यूबी को फिल किया, उसको कंफर्म किया, उसका जेंडर सेलेक्ट किया, उसका आधार नंबर, क्योंकि ये जो है 21 दिन से ज़्यादा है, इसकी बर्थ हो गई है 2022 में, इसकी बर्थ हुई थी, इसलिए मेरे पास इसका आधार नंबर था, मैंने इस पर आधार नंबर दे दिया है। अब इसके बाद मैंने चाइल्ड नेम दे दिया है, उसको फिर हमने कन्फर्म करना है। अब जो लोकल लैंग्वेज है ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी। तो उसके बाद हमने जो है फादर्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो फादर्स इन्फॉर्मेशन के साथ हमने मोबाइल नंबर और उसका आधार नंबर दिया है। उसके बाद मदर्स इन्फॉर्मेशन हमने फिल करनी है। लोकल लैंग्वेज ऑटोमेटिकली इसमें फिल हो जाएगी, अगर फिल नहीं होती है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। उसके बाद हमने मदर्स आधार नंबर दे दिया है। इसके बाद जो हमने एड्रेस फिल करना है, एड्रेस ऑफ पेरेंट्स, तो हमने यहाँ से एड्रेस फिल कर लिया है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, एड्रेस आप आधार के हिसाब से फिल करोगे। और उसके बाद हमने परमानेंट एड्रेस जो यहाँ पर यस रखा है, वेदर द परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट इज सेम एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, इसको हमने यस रख दिया है। अब यहाँ पर हमें प्लेस ऑफ बर्थ आता है, जो कि मेन पॉइंट है। बहुत सारे बंदों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है जो कि कश्मीर से है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए इस फॉर्म को सबमिट करते वक्त। तो यहाँ पर हमें जो है प्लेस ऑफ बर्थ देना है, हमने यहाँ पर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट रखा है। अगर किसी की बर्थ घर पे हुई होगी तो वो हाउस लिख सकता है, लेकिन अभी हमारी बर्थ जो है चाइल्ड की वो हॉस्पिटल में हुई है, इसलिए हमने हॉस्पिटल रखा है। उसके बाद किस हॉस्पिटल में हुआ है, उसका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, मैंने श्रीनगर लिखा है। अब सब डिस्ट्रिक्ट मैंने सिलेक्ट किया है साउथ, तो उसके बाद टाउन हमने रखा है, और उसके बाद हमने विलेज श्रीनगर रखा है। मैं ये हॉस्पिटल डिटेल्स यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पेरेंट डिटेल्स हमें नहीं भरनी है। अब उसके बाद रजिस्ट्रेशन यूनिट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिख जाएगा, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और उसके बाद आपने हॉस्पिटल नेम को फाइंड करना है, जहाँ पर भी इसको बर्थ हुई होगी इस चाइल्ड की, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अभी मैं JVC, हमारे बच्चे की जो बर्थ है वो JVC में हुई है, इसलिए मैंने JVC स्किम्स हॉस्पिटल बेमना रखा है। अगर आपके बच्चे की बर्थ किसी और जगह हुई हो तो वो लिख सकते हो, अगर यहां पर नहीं दिखता है तो आप अदर्स को यहां पर ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहां पर अदर्स ऑप्शन भी होगा, उसको आपने सिलेक्ट करना है। अब उस हॉस्पिटल का नाम आपने लिखना है। तो ये चीजें सबमिट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। अब कुछ चीजें यहां पर अगर कुछ छोड़ गई है तो वो यहां पर मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लाइक टाइम ऑफ बर्थ, अगर आपको ये चीज पता है कि टाइम ऑफ बर्थ जिस टाइम आपके बच्चे की बर्थ हुई है, वो भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको पता नहीं है तो वो आप स्किप भी कर सकते हो। अभी हमने पूरी डिटेल सबमिट कर ली है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने कॉपी फ्रॉम द, यहाँ पर हमने एड्रेस अब दिख रहा है, कॉपी फ्रॉम द एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, यहाँ से हम टिक करेंगे। अब ये जो है ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। फादर्स इंफॉर्मेशन हमने फिर से भरनी है, यहाँ से हम फिर से करेंगे। फादर्स रिलीजन हमने टाइप करना है, फादर लेवल ऑफ एजुकेशन हमने सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ से मैं ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फादर्स ऑक्यूपेशन हमने लिखना है। अब यहाँ पर हमने मदर्स इंफॉर्मेशन भरनी है, लेवल ऑफ एजुकेशन हमने भरनी है, मदर्स ऑक्यूपेशन लिखना है। अब यहाँ से ये चीज़ें सबमिट करने के बाद हमने जो है अदर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो अदर इन्फॉर्मेशन में हमने यहाँ पर सबसे पहले एज लिखनी है मदर की, जब उसकी शादी हुई थी वो हमने टाइप करनी है। अब जब बच्चे की बर्थ हुई है, यहाँ पर हमें दिख रहा है एज ऑफ मदर्स इन कंप्लीशन ईयर एट द टाइम ऑफ दिस बर्थ, यानी कि जिस चाइल्ड की बर्थ हुई है अभी उस वक्त उसकी एज क्या है, तो वो आपने सबमिट करनी है। नंबर ऑफ चाइल्ड्स, अभी आपके पास कितने बच्चे हैं वो आपने टाइप करना है। अगर बच्चा है तो आपने एक टाइप करना है, अगर उससे ज्यादा दूसरा बच्चा है तो दो लिख सकते हो, अगर तीसरा बच्चा है तो तीन लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। अब उसके बाद हमने टाइप ऑफ अटेंशन है डिलीवरी, अब यहाँ पर आपको दिखना है इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट, यहाँ पर हम लिखेंगे। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए तो आप यहां से प्राइवेट भी लिख सकते हो। मेथड ऑफ डिलीवरी, अब यहां पर हमें दिख रहा है सीजर, अगर ऑपरेशन आया वो लिखना है, अगर नॉर्मल हुई है तो नॉर्मल, तो यहां से हम सीजर लिखेंगे, ऑपरेशन हुआ था। बर्थ ऑफ बर्थ वेट, जो कि बच्चे की जो वेट है वो आपने यहां पर आप टाइप करनी है।
मेरे केस में जो है 3.5 kg था, तो मैंने 3.5 लिख लिया यहाँ पर। अब ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वीक्स में हमने लिखना है, वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हम ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी वीक्स में लिख ली है यहाँ पर। अब हमने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर ब्राउज करके अपलोड करना है, उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। लाइव डॉक्यूमेंट आपने लेटर और डिस्चार्ज स्लिप इसको हमने सिलेक्ट करना है, ब्राउज पे क्लिक करनी है और यहाँ से हमने इसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अब इसका साइज जो है 8 MB तक इन लोगों ने रखा है, तो आप 8 MB तक रख सकते हो। तो अदर डॉक्यूमेंट जो है मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो, फादर का मदर का दोनों का अपलोड कर सकते हो। और अदर डॉक्यूमेंट में यहाँ पर दिख रहा है डिस्चार्ज सब एग्जीक्यूट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर, जो कि आपको जो सबसे पहले एक एफिडेविट लाना होगा, क्योंकि बच्चे की जो बर्थ है 21 दिन से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर आपको मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट लाना है। यहाँ से मैं ब्राउज करूंगा और इसका मैं खाली आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। आप मैंने यहाँ से इसको भी अपलोड कर लिया है, और यहाँ से अदर आप जो है पैन कार्ड वगैरह फादर का अपलोड कर सकते हो, या अदर्स में आप मदर का भी फादर का भी दोनों का भी आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो। इस तरीके से जैसे आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट करोगे, तो ये चीजें कंप्लीट करने के बाद आपने खाली जो है आप नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे। अब थोड़ा सा समय लेगा है, अब हम फाइनल स्टेप की तरफ पहुंच रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। था आज का प्रोसेस, मैंने पूरा प्रोसेस आपको दिखाया है कि किस तरीके से आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि नया वेबसाइट है CRS.org वेबसाइट शिफ्ट हो गई है, आप दूसरी वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट का इंटरफेस आप भी आपने देख लिया है, पूरा प्रोसेस भी देख लिया है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं वो भी हमने दिखाए हैं। तो ये इसका पूरा प्रोसेस था। अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो, आपके हॉस्पिटल्स विलेज में है, वहां पर बर्थ होती है, तो आपके लिए ये साइट बेहतर है। आप जनसुगम वेबसाइट से अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर आपके बच्चे की बर्थ विलेज हॉस्पिटल में हुई है, या आपके बच्चे की बर्थ जो है घर पर हुई है, तो उसके लिए ये बेहतर वेबसाइट है। अगर आपके बच्चे की बर्थ जो है श्रीनगर किसी हॉस्पिटल में हुई है, तो उसके लिए आप जनसुगम वेबसाइट को प्रेफर कर सकते हो। तो ये एक पूरा प्रोसेस था। अगर आपको किसी तरह का भी डाउट रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा समझाने की। अभी जो ये नई वेबसाइट थी, इसके लिए मैंने वीडियो रखा है। यूजुअली मैं वही वीडियो अपलोड करता हूं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएंगे और हमारे YouTube चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करोगे। फिलहाल इस वीडियो में हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।